वह पद्मावत रणबीर की उसकी वार्तालाप होती है तो सहेली कहती रही कि बेबे तू पहले तो ब्याह शादी से इनकार करती रही और ये भी तू इस परदेसी के से बात करती है, ये तो अच्छी बात नहीं। वे सहेलियां उस पद्मावत को धमकाती है और क्या कहती है, ओए तू मरती कद्यो मरता थारी तरह तरह चले झूठ साच के जानने आला लोकी भगवान तू मरती सखियां कहने लगी बेबे के हाँ आए चालन है बाग में चालेंगे, सामन का महीना है तीजा का त्योहार है। न बोली बेबे मेरा कोई ना जी करता चालन ने आए, क्यों? क्योंकि तुम जानो सो मैंने कल जब से परदेसी को देखा है ना भूख लगती ना प्यास लगती और मैं परदेसी के बगैर तो रह ही नहीं सकती। कहने लगी जब वो ऐता रहे हैं कहने लगी झूठ बोल लो सो, क्यों? तब अपनी सखियों के सामने क्या बताने लगी भला, हो 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 ये तीन रोज हुए मने तड़पती ने ये मैं कुछ ना खाई खेली ये भाइया की सुन जी जांगी दर्शन करा सहेली तीन रोज हुए मने तड़पती कुछ न खाई दर्शन करा सहेली तीन रोज हुए मने तड़पती कुछ न खाई।
लड़िया मृतन में इसका नाग लड़िया मृतन में जन कित लुक गया डसी के परसों की बेवो सुपड़ी सारी काया तफीर के इसे मर्द का जबान तो मिले तो मैं हाथ पकड़ लूं कसी के तमन्नी का रंग देखा कोना दिया के खेड़ी के रहने वाले दयानंद प्रेमी गायक कलाकार हौलदार साहब दोनों पार्टियों को 200 रुपए देते हैं। प्रेमी को बार बार धन्यवाद दिया। Yeah.
सा रोवे से तू भेस कवारे मैं बाबुल के घर उम्र बता दी पड़ी रहे सबारे मैं किसा पति तन ना पावे ये तो जग सारे मैं पन में सर पे देखा होगा धर्म दवारे मैं करे प्यारे की समझ है प्यार करे प्यारे की समझ है अपने के तीरे तड़े में
Thank you.